वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, मैंने दो दिन पहले आप सभी को करेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और जिनमें मैंने आप सभी को बताया था कि अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन वेट करके फिर से करेक्शन करें। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार जब इसके नीट यूजी 2020 के लिए जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तो उनमें 2 से 3 दिनों के बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है वो देखने को मिले थे, जो कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था तो उनके फ़ोटोज़ वगैरह में कुछ गलतियां हो गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आप सभी को बोला था कि अगर आप इसके लिए कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन रुक जाएं और फिर इसके लिए करेक्शन करें, क्योंकि अगर एक बार आप करेक्शन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो दूसरी बार आपको करेक्शन करने का मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं करेक्शंस को लेकर, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कौन कौन से फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं और कौन कौन से फील्ड में आप करेक्शंस नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप फोटो, आपके थंब इम्प्रेशंस, आपके सिग्नेचर और आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनमें आप अभी कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। ऐसा एनटीए का ऑफिशियल अपडेट है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी बताया था और मैं भी आप सभी को बता रहा हूँ कि इनमें जो करेक्शंस करने का यानी कि एडिट करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिल रहा होगा। फोटो, सिग्नेचर या फिर अन्य जो इमेजेस अपलोडेड का जो सेक्शन था उनमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। अब उनमें करेक्शन नहीं क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। और एक और बात की अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आप कौन कौन से फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था उनमें आप करेक्शंस एक बार नहीं कर सकते। बाकी जितने भी सेक्शंस बचते हैं उन सभी में आप करेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके कोर्स को लेकर या फिर अन्य कोई भी डेट ऑफ बर्थ कैटेगरीज को लेकर भी करेक्शंस कर सकते हैं। और कैटेगरीज को लेकर एक इम्पॉर्टेंट ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो बेझिझक आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि अगर आप लो कैटेगरी से हाई कैटेगरी में जाते हैं तो आपकी कुछ जो फीस है उसमें डिफरेंस होता है, तो जितना डिफरेंस आपका होगा वो डिफरेंस आपको पे करना होगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एससी जनरल कैटेगरी में आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप जनरल से एससी में आना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी फीस है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एससी में आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल कैटेगरी आप भरते हैं तो एससी और जनरल का जितना फीस डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको पे करना होगा। बस यही थोड़ा प्रॉब्लम है कैटेगरी चेंज को लेकर, बाकी कोई भी नहीं है और अन्य में आप चेंज कर सकते हैं। और एक बात, एग्जामिनेशन कोड को लेकर स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियां की थी तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, एग्जामिनेशन कोड को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं होता। एग्जामिनेशन कोड आपने अगर गलत भी भरा है तो भी आपका चल जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्शन पे नहीं जाएगा। अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कोड कौन सा सबमिट करना है उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वाले सेक्शन की कि फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स में आप अभी नहीं कर सकते कोई करेक्शन, तो कब कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, फोटो, सिग्नेचर और जितनी भी इमेजेस आपने अपलोड की है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो एनटीए द्वारा रिव्यू किए जाते हैं, और जैसे एनटीए द्वारा रिव्यू किए जाते हैं और एनटीए को उसमें कुछ गलतियां लगती है तो एनटीए आपको मेल या फिर एक मैसेज करता है। उसी मेल या फिर मैसेज के आने के बाद आपको इसमें करेक्शन का जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा, तब तक आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। अगर फोटो में आपने कोई गलती की है, आपने नेम, डेट वगैरह नहीं लिखा है, अगर आपने 10th की मार्कशीट की जगह अपनी कोई अन्य मार्कशीट अपलोड कर दी है, फोटो की जगह साइन अपलोड कर दिए, साइन की जगह फोटो या फिर थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिए या फिर कुछ भी गलत अपलोड किया है, तो चिंता की बात नहीं है, आपका फॉर्म किसी भी हाल में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको एनटीए द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल या फिर मैसेज के द्वारा कि आपके इसमें कुछ गलती है, उसके आप करेक्शन कीजिए, तो इसको लेकर आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, अभी अगर आप फोटो या फिर किसी अन्य में आप करेक्शंस नहीं कर पा रहे हैं तो घबराएं नहीं, आप उनमें करेक्शंस कर पाएंगे। अगर फिर इतने
इन्फॉर्मेशंस के बाद फिर भी आपके मन में करेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने को लेकर, या फिर उस कमेंट को एक सेपरेट वीडियो के रूप में आप सभी को प्रदान करने की पूरी कोशिश जो है वो हमारे द्वारा और हमारी पूरी टीम द्वारा की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो था, एक इम्पोर्टेंट अपडेट था सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी जो है वो आप सभी को समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग टू करेक्शन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।